जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग महाराष्ट्र बीएड सीईटी एग्जामिनेशन। इस साल अगर आप महाराष्ट्र बीएड सीईटी एग्जामिनेशन देते हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा फॉर दी बीएड सीईटी एग्जामिनेशन। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि अभी भी आपको 40 डेज है बीएड सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, आज 9 तारीख है, 22 को आपका एग्जाम है। ओके, सो अप्रॉक्स 40 डेज है अभी भी आपके पास एग्जामिनेशन के लिए। एंड दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जैसे आपको बताया कि एग्जाम जो है वो अगस्त में चला गया है, अब एग्जाम का रिजल्ट सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक आएगा। ओके, एंड एडमिशन होते होते वो अक्टूबर आधा हो जाएगा या अक्टूबर पूरा चला जाएगा, एंड उसके बाद दिवाली वेकेशन वगैरह आ जाते हैं तो कॉलेज बंद हो जाते हैं। तो आपका जो लेक्चर है वो अब कब शुरू होगा? आपका लेक्चर चालू होगा नवम्बर मंथ में। ओके, मिड ऑफ नवम्बर से चालू हो जाएगा। एंड आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो कहीं ना कहीं जनवरी 15 या 20 के आसपास होगा। सो आपका फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर जो होगा वो आपका मई या अप्रैल एंड में शुरू होगा, मई फर्स्ट या सेकेंड वीक में, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हैं तो ये सेमेस्टर आपका यहाँ शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मई में आपका थर्ड सेमेस्टर अक्टूबर में हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर अगेन फरवरी 2023 में हो जाएगा। तो आप देख रहे हो एक साल के टाइम स्पेन में आपका चार सेमेस्टर का बीएड कंप्लीट होने वाला है और यही होगा प्रोसेस। बिकॉज एक तो ये कोविड पैंडेमिक के वजह से टाइमिंग बहुत शिफ्ट हो गया है। ओके, और शिफ्ट होने के वजह से क्या हो गया है कि अब सेमेस्टर को फटाफट कम टाइम में भी कंप्लीट करना पड़ेगा। मुंबई यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज मास लेवल पे स्टूडेंट्स यहाँ पे बीएड करते हैं। ओके, और कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल ऑल ओवर महाराष्ट्र में 400 प्लस कॉलेजेस है बीएड सीईटी को लेके, एज वेल एज और कंपटीशन की बात करो तो 60,000 से 70,000 स्टूडेंट्स बीएड सीईटी का एग्जाम लिखते हैं एंड 33,000 to 35,000 सीट्स है कॉलेज में। सो गाइस, ये एक एडेड एडवांटेज है। और नेक्स्ट ईयर अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गई तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपका बीएड जल्दी खत्म हो जाएगा ना, तो आपको जॉब के अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग बीएड दिस ईयर। बीएड कॉलेज में आप रजिस्टर कर लेते हो तो ये बेनिफिट है। और गाइस, एग्जाम से लेके एडमिशन तक क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एंट्रेंस कैसे देना है, एडमिशन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ों का गाइडलाइंस हम लोग देते हैं अपने चैनल पे। सो चैनल के साथ आप बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ओके, और गाइस, हमने क्रैश कोर्स बैचेस भी लॉन्च कर दिए महाराष्ट्र बीएड सीईटी के, आज हमारा थर्ड डे है। ओके, सो व्हाटएवर लेक्चर्स हैपन, आपको उसके रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, आप फिल कर लीजिए इफ़ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड। सो हम लोग आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको बीएड के लिए प्रिपरेशन करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज अगर आपका लो स्कोर है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और ये टाइम निकल जाएगा, एंड टाइम निकल जाएगा तो उसका एडवांटेज आप उठा नहीं पाओगे। सो डोंट थिंक टू मच, जस्ट एनरोल फॉर दी बीएड। एंड एग्जाम का फॉर्म भी अभी खत्म हो गया है, सो आप प्रिपरेशन चालू करो। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।